अगर आप भी पाना चाहते हैं ई श्रम कार्ड पर 20,000 रुपए की धनराशि तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मेरे भाई बहन हैं जो कि ई श्रम कार्ड के बारे में पूरी जानकारी नहीं जानते हैं और इसके बावजूद वे ई श्रम कार्ड बनवा कर बैठे हैं। अगर आप भी ई श्रम कार्ड के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि इस वक्त ई श्रम कार्ड को लेकर बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं निकल कर सामने आ रही है, जिसमें एक योजना ऐसी है जिसके अंतर्गत आप हर महीने 20,000 रुपए की धनराशि आप अपने खाते में मंगवा सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी कि आप किस प्रकार से अपने ई श्रम कार्ड के जरिए 20,000 रुपए की धनराशि अपने खाते में मंगवा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने ई श्रम कार्ड बनवा रखा है तो आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आने वाले वक्त में आपका ई श्रम कार्ड अपडेट हो जाएगा। और आपको बता दें कि जो लोग भी गरीबी रेखा से नीचे आते हैं उन सभी लोगों का ई श्रम कार्ड खुद ब खुद ही अपडेट हो जाएगा और उन सभी के खाते में 26 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक उनके खाते में 20,000 रुपए की धनराशि आ जाएगी। दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि किस प्रकार से आपके खाते में आएगी 20,000 रुपए की धनराशि तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही आप अपने राज्य का नाम कमेंट में मेंशन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद।